हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर रूरल लाइवलीहुड्स सारे क्वेश्चंस को हिंदी में एक्सप्लेन किया है अच्छे तरीके से समझाया है वीडियो को एंड तक देखिए पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में क्वेश्चन नंबर वन यू हैव प्रोबेबली नोटिस तुमने शायद देखा होगा दैट पीपल इन कलपट्टू आर एंगेज एंगेज का मतलब लगे हुए हैं इन ए वेराइटी ऑफ नॉन फार्म वर्क नॉन फार्म वर्क से मतलब क्या हुआ जो खेती बाड़ी का काम नहीं है जो फार्मिंग से रिलेटेड नहीं है उस तरह के कामों में लगे हुए हैं लिस्ट फाइव ऑफ दीज फाइव वर्क आपको बताने हैं ये आपकी बुक में लिखा हुआ था नंबर वन है मेकिंग बास्केट बास्केट बनाना यूटेंसिल्स बर्तन बांडे बनाना ब्रिक्स बनाना बुलक कार्ड्स और बैलगाड़ी वगैरह बनाना टीचिंग पढ़ाना वॉशिंग क्लॉथ कपड़े धोना वीविंग बुनाई का काम करना और रिपेयरिंग साइकिल साइकिल की मरम्मत करना ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल यू रेड अबाउट इन कलपट्टू उन अलग अलग तरह के लोगों के बारे में बताइए जो कलपट्टू में रहते हैं जिनके बारे में आपने पढ़ा है वो डिपेंड ऑन फार्मिंग वो लोग जो फार्मिंग पर यानि कि एग्रीकल्चर पर यानी कि खेती पर निर्भर करते हैं हु इज द पुअरेस्ट अमंग दैम उनमें सबसे गरीब कौन है और क्यों है वाई का मतलब क्यों दीज बी प्ला तुलसी तुलसी है ये शेखर है और रामालिंगम है इन लोगों के बारे में आपने पढ़ा तुलसी इज द पुअरेस्ट अमंग दैम इन सब में सबसे गरीब है तुलसी इट इज बिकॉज शी हैज़ नो लैंड ऑफ़ ऑफर ओन कारण क्या है क्योंकि उसके पास अपनी लैंड नहीं है शी वर्कस ऑन रामालिंगम्स फील्ड वो रामालिंगम के खेतों में काम करती है एंड अर्स रुपीज फोर्टी पर डे और रोजाना चालीस रुपए केवल कमाती है ओल दोफाइड विद हर वेजेज वेजिस का मतलब होता है मजदूरी वो अपनी मजदूरी से संतुष्ट नहीं है ये शी कंटिन्यूज हर वर्क इन रामालिंगम्स फील्ड फिर भी वो रामालिंगम के खेतों में काम जारी रखती है बिकॉज ऑफ़ द फैक्ट इस वजह से दैट शी कैन डिपेंड ऑन हिम वो उस पर निर्भर रह सके इमेजिन जरा कल्पना करो यू आर ए मेंबर ऑफ ए फिशिंग फैमिली आप किसी फिशिंग फैमिली जो फिशिंग करते हैं मछलियाँ पकड़ते हैं ऐसी फैमिली का ही हिस्सा हो एंड यू आर डिस्कसिंग वेद टू टेक ए लोन फ्रॉम द बैंक फॉर एन इंजन और तुम ये डिस्कस कर रहे हो कि तुम्हें इंजन के लिए बैंक से लोन लेना है वॉट वुड यू से आप क्या कहोगे आई वुड से मैं कहूंगा दैट इट इज बैटर टू टेक ए लोन फ्रॉम बैंक फॉर दिस पर्पज कि इस काम के लिए बैंक से लोन लेना ज्यादा बेहतर है देन टू तो गो टू ए मनी लेंडर मनी लैंडर यानी कि जो ब्याज पर पैसा देते हैं महाजन उन्हें कहते हैं उनके पास जाने के बजाय मनी लेंडर्स यूजली चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वजह क्या होगी इसकी इसकी वजह होगी क्योंकि वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं बीच पुशिज द बोर ओवर इन ग्रेट हार्डशिप्स हार्डशिप मुसीबतें बोर उधार लेने वाला जिससे कि जो उधार लेने वाला है वो और बड़ी मुसीबत में फंस जाता है पुअर रूरल लेबर लाइक तुलसी ओफन डो नॉट हैु मेडिकल फैसिलिटीज ज़्यादातर जो गरीब गांव के रहने वाले मजदूर होते हैं जैसे तुलसी है उनकी अच्छी चिकित्सीय फैसिलिटीज़ अच्छे स्कूल एंड गुड अदर रिसोर्सेज और दूसरे संसाधनों तक उनकी पहुँच ही नहीं होती ऐसे इसका मतलब पहुँच यू हैव रेड अबाउट इनइवलिटी इन द फर्स्ट यूनिट ऑफ दिस टेक्स्ट तुमने इस टेक्स्ट के फर्स्ट यूनिट में इनइक्वलिटी असमानता के बारे में पढ़ा था ये आपके फर्स्ट या सेकेंड पार्ट में था द डिफरेंस बिटवीन हर एंड रामालिंगम इज़ वन ऑफ द इनइक्वेलिटी जो एक फर्क मेन फर्क है उसमें यानी कि तुलसी में और रामालिंगम में वो है असमानता डू यू थिंक दिस इज ए फेयर सिचुएशन क्या आप सोचते हैं फेयर का मतलब यहाँ पर है अच्छी क्या ये अच्छी हालत है वट डू यू थिंक कैन बी डन क्या किया जा सकता है इसके लिए नो दिस इज नॉट ए फेयर सिचुएशन ये अच्छी हालत नहीं है देयर शुड बी ए सीलिंग ऑफ लैंड लैंड की सीलिंग और चाहिए, सीमा होनी चाहिए इट विल हैल्प एवरी वन टू हैव सम इससे क्या होगा हर किसी के पास थोड़ी थोड़ी लैंड होगी वेयर वन कैन अर्न वन लाइवलीहुड जिससे कि कोई अपनी आजीविका कमा सकता है ऑपरचुनिटी शुड बी इक्वल फॉर ऑल सबके लिए मौके बराबर होने चाहिए प्राइमरी एजुकेशन शुड बी मेड कम्पल्सरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो सबके लिए कंपल्सरी होनी चाहिए एफर्ट शुड बी मेड टू प्रमोट एजुकेशन अमंग द पुअर गरीबों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए इट विल हेल्प दैम नो देर राइट्स इससे वो अपने अधिकारों के बारे में जानेंगे या राइट्स का मतलब अधिकार एंड अदर अवेयरनेस अवेयरनेस जागरूकता और उनमें और दूसरी जागरूकता भी आएगी वट डू यू थिंक दैट गवर्नमेंट कैन डू टू हेल्प फार्मर्स लाइक शेखर शेखर जैसे लोगों की हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है वेन दे गेट इन टू डेप्ट जब वो मुसीबत कर्जे में फंस जाते हैं डेप्ट का मतलब होता है कर्ज कर्ज में फंस जाते हैं गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड असिस्टेंस असिस्टेंस का मतलब होता है हेल्प गवर्नमेंट उन्हें हेल्प दे सकती है ऐसे फार्मर्स को जैसे शेखर है इंटरेस्ट फ्री लोन यानी कि जिसपे ब्याज ना लिया जाए ऐसा लोन दे सकते हैं लोन एट द लोएस्ट रेट या कम दर पे जिसकी ब्याज की दर कम हो ऐसा लोन दे सकते हैं लोगों की हेल्प करने के लिए सीड्स फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर क्या होता है खाद एंड पेस्टिसाइड जो नाशक दवाइयाँ होती हैं कैन ऑल्सो भी प्रोवाइडेड टू हिम ऑन सब्सिडाइज रेट सब्सिडाइज का मतलब है कम कम रेट पर मतलब सब्सिडाइज वो कम रेट होते हैं जिनमें कुछ पैसा गवर्नमेंट देती है सारा पैसा खरीदार से नहीं लिया जाता तो कम रेट पर आ, उनको बीज दे सकते हैं फर्टिलाइजर खाद दे सकते हैं पेस्टिसाइड कीटनाशक दवाइयाँ दे सकते हैं क्योंकि फसलों में कीड़े हो जाते हैं कंपेयर द सिचुएशन ऑफ शेखर एंड रामालिंगम बाय फीलिंग आउट द फॉलोइंग टेबल चलिए इसकी सिचुएशन हम डिस्कस करते हैं शेखर की लैंड कल्टिवेटेड उसकी लैंड कितनी है शेखर की टू एकड़ रामालिंगम की कितनी है ट्वेंटी एकड़ लेबर चाहिए नो लेबर रिक्वायर्ड नहीं लेबर नहीं चाहिए लैंड इतनी कम है वो उसकी लैंड ज़्यादा है तो ही ए, हायर्स लेबर वो हायर का मतलब तो है तो किराए पर लेना इसके बाद लोन चाहिए ही रिक्वायर यानी कि शेखर को ही रिक्वायर्स लोन फॉर सीड उसे लोन चाहिए कहीं के लिए सीड्स के लिए फर्टिलाइजर के लिए पेस्टिसाइड वगैरह के लिए ही टेक्स लोन फ्रॉम ट्रेडर्स वो ट्रेडर्स है जो मनी लैंडर होते हैं उनसे लोन लेता है और जो रामालिंगम है ही टेक्स लोन फ्रॉम गवर्नमेंट बैंक वो गवर्नमेंट बैंक से लोन लेता है फॉर एस्टेब्लिशिंग ए राइस मिल राइस मिल बनाने के लिए सेलिंग ऑफ हार्वेस्ट फसल बेचना रामालिंगम तो नहीं बेचता है और जो वो है उसे ही सेल्स ए फ्यू बैग्स ऑफ पैडी टू पे बैक द लोन लोन चुकाने के लिए उसे कुछ धान के बैग बेचने पड़ते हैं अदर वर्क डन बाय देम हैज़ ए हाईब्रिड काउ उसकी एक हाइब्रिड काउ है मिल्क ही सेल्स इन द लोकल मिल्क कोऑपरेटिव जिसका मिल्क वो लोकल कोऑपरेटिव में बेचता है और जबकि रामालिंगम ही ओन से राइस मिल उसकी राइस की मिल है एंड ए शॉप और एक शॉप है जहाँ पर वो सीड्स बेचता है पेस्टिसाइड वगैरह बेचता है अब चलिए हम कुछ एम देखते हैं रामालिंगम हैज रामालिंगम के पास है क्या ट्वेंटी एकड़ ऑफ लैंड तुलसी आ तुलसी को कित वो कितना कमाती है चालीस रुपये पर डे कमाती है तुलसी सोल्ड हर काउ टू तुलसी ने अपनी काऊ बेच दी क्यों पे द फीस ओवर डोटल अपनी बेटी की फीस देने के लिए द परसेंटेज ऑफ लार्ज फार्मर्स इन इंडिया इज लार्ज फार्मर्स की परसेंटेज इंडिया में कितनी है ट्वेंटी परसेंट है विच वन इज़ नॉट ए फार्मिंग एक्टिविटी इनमें से कौन सी फार्मिंग एक्टिविटी नहीं है बास्केट मेकिंग यानी कि बास्केट बनाना खेती से जुड़ा हुआ काम नहीं है चलिए अब अब हम फिलिंदा ब्लैंक देखते हैं पीपल ऑफ चिजामी ये से क्या पढ़ेंगे चिजामी विलेज डू जो चिजामी विलेज के लोग हैं वो क्या करते हैं टेरेस इसमें फिल किया जाएगा टेरेस फार्मिंग करते हैं नियरली टू फिफ्थ ऑफ ऑल रूरल फैमिलीज आपको ये फिल करना है कि कितनी रूरल फैमिलीज टू फिफ्थ आर एग्रीकल्चर लेबर्स इन इंडिया वो खेतों पे काम करने वाले मजदूर हैं शेखर है जी हाइब्रिड काऊ शेखर के पास एक हाइब्रिड काऊ है हुज यानी कि देसी काऊ नहीं है वो हुज मिल्क की सेल्स इन द लोकल जिसका मिल्क को बेचता है कहाँ पर बेचता है मिल्क कोऑपरेटिव में इन सब विलेजेस कुछ गांव में सेंट्रल इंडिया में बोथ फार्मिंग खेती भी और कलेक्शन फ्रॉम फॉरेस्ट जंगलों से इकट्ठा करना आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड वो जीविका के मेन मुख्य साधन हैं द पीपल ऑफ बूडुपै विलेज आन देयर लिविंग बाय जो बूडूपैट गाँव के लोग हैं वो अपनी लिविंग कैसे कमाते हैं जीविका कैसे कमाते हैं रोजी रोटी कैसे कमाते हैं फिशिंग करके चलिए अब कुछ मैचिंग देखते हैं जो तो तुलसी है वो लैंडलेस यानी कि जिसके पास जमीन नहीं है ऐसी गरीब मजदूर है जो शेकर है वो क्या है इस्मोल फार्मर है छोटा किसान है जो रामालिंगम है वो लार्ज फार्मर बड़ा किसान है अरुणा और पारी वेलन ये ये क्या हैं ये फिशिंग करते हैं दोनों के दोनों और कलपट्टू क्या है ये तमिलनाडु में एक विलेज है और जो टीचिंग वॉशिंग वेयरिंग वीविंग एक्सेट्रा आर रिलेटेड टू ये किससे जुड़े हुए हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं ये यानी कि खेती बाड़ी से जुड़े हुए काम नहीं है ये चलिए ट्रू फॉल्स देख लेते हैं रामालिंगम इज ए बिग फार्मर हैविंग ट्वेंटी एकर्स ऑफ लैंड रामालिंगम बड़ा किसान है जिसकी ट्वेंटी एकड़ लैंड है बिल्कुल सही है ये शेखर टेक्स लोन फ्रॉम तुलसी एंड बाय सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स शेखर तुलसी से लोन लेता है और फिर बीज और खाद खरीदता नहीं वो तो खुद ही इतनी गरीब है तो ये फॉल्स है इन कोस्टल एरियाज वी फाइन फिशिंग विलेजेस कोस्टल एरियाज होते हैं जो समुद्र के किनारे वाला एरिया होता है वहाँ फिशिंग विलेजेस होते हैं बिल्कुल सही है सी है तो उसमें फिशिंग करेंगी इन इंडिया सिक्सटी परसेंट फार्मर्स आर स्मॉल फार्मर्स इंडिया में जो सिक्सटी परसेंट फार्मर्स हैं वो छोटे फार्मर्स हैं नहीं शेखर टेक्स हेल्प ऑफ अदर स्मॉल फार्मर्स एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग 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 होता है फसलों की कटाई शेखर आ, फसल की कटाई के समय दूसरे फार्मर्स की हेल्प लेता है बिल्कुल सही है ये आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन की वीडियो मैं अभी बनाने वाली हूँ वेरी शॉर्टली अपलोड करूँगी उसे तो आप अगर नए हैं तो चैनल पर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वाली वीडियो मुझे आप बताइए आपको कैसी लगी लेसन के क्वेश्चन आंसर समझ में आए हैं नहीं आए हैं कोई क्वेरी है तो उसको भी लिख के भेजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो